नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी को देखने के लिए लड़का आ रहा है। लेकिन वहीं पे ही बात की जाए, इस समय मलिष्का और नीलम दोनों ही खुश नजर आ रही हैं कि चलो फाइनली अब लक्ष्मी का इस घर में उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, यानी जल्द से जल्द लक्ष्मी की अब यहाँ से शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी लड़का देखने पर भी एग्री हो चुकी है, क्योंकि लक्ष्मी को लग रहा है कि अब लड़का देखने में फायदा है, क्योंकि हमें इस घर से जितना जल्द हो सकता है हमें है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक दिलचस्प मोड लेकर आ चुकी है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। क्योंकि इधर आयुष बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आयुष की बात की जाए तो आयुष का मानना ये है कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ मलिष्का की वजह से और नीलम की वजह से ही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मलिष्का चाहती भी यही थी और वाकई में दोस्तों उसकी इच्छा भी पूरी हुई है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दूसरी कहानी में आप लोग देख पाएंगे कि इधर ऋषि बोलते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो कि पूरी तरीका से कि चलो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, अब इसमें किसका क्या दोष मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नज़र आ रहे हैं और टेंशन का विषय भी है, क्योंकि ऋषि की दादी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर से इस तरीका से एक बच्ची चली जाएगी। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी को कहीं ना कहीं कुछ लोग वाकई में अच्छा मानते थे, ऋषि के फादर, ऋषि की दादी, आयुष, आहाना, काफ़ी लोग अच्छा मानते थे। वहीं बात की जाए तो मलिष्का की अब पूरी तरीका से समाधान हो चुकी है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मलिष्का को इस घर में क्या चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी निकाल दो कोई और इस घर में मलिष्का का राज आ जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी में आप लोग एक और नया ट्विस्ट भी देखते हुए नजर आने वाले हैं, जब आप लोगों के बीच में एक नई कहानी में नया नज़रिया देखेंगे।